हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा मॉडल थालपोस है। आज हम ये थालपोस देखेंगे। तो उसमें दो कलर चाहिए, एक वाइट एंड एक ब्लू। आप कोई भी कलर, मनपसंद कलर ले सकते हैं। यहाँ मैंने ब्लू एंड वाइट लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम वाइट के साथ। इस पैटर्न को हम केक थालपोस कहते हैं, बट आप कुछ भी बोल सकते हैं आपके हिसाब से। तो यहाँ मैंने चेन ली है, और चेन सात या आठ चेन लेके एक मैजिक रिंग बनानी है, और उसमें चार चेन डालनी है। फिर से न्यू दूसरा राउंड शुरू करने के लिए एक क्रोशिया डाला है, फिर से तीन चेन, एक क्रोशिया, तीन चेन, एक क्रोशिया। तो हमें ऐसा रिपीट करना है, एक नेट जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। तो यहाँ हम तीन चेन एक क्रोशिया, तीन चेन एक क्रोशिया डाल रहे हैं। तो यहाँ मैंने सिक्स टाइम ले लिया है, छः क्रोशिया डाला है। तो अब हम दो एंड ज्वाइंट करेंगे, स्लिप नोट लेंगे। तो यहाँ मेरा पहला राउंड पूरा हो गया। अब मैं चार चेन लेके सेम वही राउंड जो पहले लिया था वैसा ही राउंड बुनने वाली हूँ। तो पहले मैंने चार चेन ली, फिर से मैंने क्रोशिया डाला, फिर से तीन चेन ली, फिर से क्रोशिया डाला। अब मैं इसमें ही दो बार डालूँगी, क्योंकि मुझे अब बार पैटर्न बनानी है। साथ ही लूप क्रिएट हुआ है, तो मुझे बार बनाना है। तो मैं यहाँ टू टाइम्स दो बार क्रोशिया डालूँगी। फिर से यहाँ इसमें मैं एक बार ही क्रोशिया डालूँगी, तीन चेन एक क्रोशिया, तीन चेन एक क्रोशिया। तो यहाँ मैं वन टाइम्स टू टाइम, वन टाइम एक बार दो बार, एक बार दो बार ऐसे डालते जाऊँगी। तो यहाँ इसमें अब मैं दो बार डालती हूँ क्रोशिया, सेम वही करना है। एक बार दो बार हमें 12 लूप क्रिएट करनी है जैसे तैसे करके। तो मैं एक बार दो बार, एक बार दो बार, टोटल 11 क्रोशिया डालती हूँ, और लास्ट वाली लूप को मैं तीन चेन लेके ज्वाइन कर देती हूँ। यहाँ मेरा 12 लूप क्रिएट हो गया, मैंने 11 टाइम्स क्रोशिया डाला है। तो यहाँ मैं स्लिप नोट लगा के ज्वाइन कर देती हूँ। ये मेरा लास्ट लूप है, तो तीन चेन लेके मैंने स्लिप नोट लेके ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा कुछ इस तरह पैटर्न क्रिएट तैयार हो गया है। तो टोटल यहाँ हमें देख लीजिए 12 पैटर्न हुई है, 12 लूप हुई है। अब हमें क्या करना है, मिडल में लाना है। इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा थर्ड राउंड है। तो पहले हम दो चेन लेके एक क्रोशिया, दो चेन, एक क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक क्रोशिया, दो चेन। आप दो चेन ही ले सकते हैं, बट जो आपको फ्लावर में कोई दिक्कत नहीं आती तो एक चेन ले लीजिए। यहाँ मैंने एक एक चेन ली है, बाकी मैं आगे वाला राउंड में मैं ये दो दो चेन लूँगी। ये सेम एज ए वी स्टिच होता है। तो सेम आपको क्या करना है, हर एक पैटर्न जो लूप क्रिएट हुई है उसमें हमें एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया डालना है, एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया डालना है हर एक में। तो शायद वी स्टिच जैसा एक दिखावा तैयार होगा। तो यहाँ मैं हर एक लूप में, आगे वाली जो हर एक लूप हुई है उसमें मैं एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया बना रही हूँ। अब ये मेरा राउंड पूरा हो गया है। तो मैं यहाँ एक चेन लेके आगे वाला जो शुरू हुआ था वहाँ स्लिप नोट लगा के ज्वाइन कर देती हूँ। तो कुछ ऐसा मैं हर एक में दो दो क्रोशिया डाला है, और बीच में एक चेन ली है, और दोनों में साथ बीच में भी एक एक चेन ली है। तो एक क्रोशिया, एक चेन, एक क्रोशिया, एक चेन। अब मैं मिडल में जाती हूँ, एक चेन लेके मिडल में हो जाती हो। तो यहाँ हमें क्या करना है, पहले शुरू करने के लिए हमें दो चेन लेनी है, बाद में दो क्रोशिया, दो चेन, सॉरी एक चेन, दो चेन नहीं एक चेन,
एक चेन, फिर से ये हमारा वी स्टिच है, तो इसमें ये वी स्टिच है हमारा, तो इसमें भी दो क्रोशिया, एक चेन, फिर से दो क्रोशिया, तो कुछ इस तरह दिखेंगे। चार क्रोशिया लेना है हमें, तो बीच बीच में चार क्रोशिया का ग्रुप के बीच बीच में हमें एक एक चेन लेके जाना है। तो ये यहाँ मैं एक चेन लेती हूँ, फिर से हमें दो क्रोशिया, एक चेन, ये दो क्रोशिया, फिर से एक चेन लेनी है, फिर से ये चार का ग्रुप पूरा हो गया, तो एक चेन लेके फिर से आगे वाला वी स्टिच में दो क्रोशिया, एक चेन, टोटल चार क्रोशिया डाला, बीच में दो दो के बीच में मैंने एक एक चेन, तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे। दो वी स्टिच वाला दो के ऊपर हम चार, दो एक चेन, दो एक चेन ऐसे ले रहे हैं, तो ये कुछ इस तरह दिखेंगे। तो अब हमें सारे राउंड में हमें ऐसे चार क्रोशिया डालना है, दो क्रोशिया एक चेन, दो क्रोशिया एक चेन। तो यहाँ मैंने सारा राउंड बुन लिया है, तो देखो सभी में मैंने चार चार क्रोशिया डाल दिया है, बीच में एक चेन है, सभी के बीच में दो क्रोशिया के बीच में। तो यहाँ मैं ये राउंड स्लिप नोट लेके ज्वाइन कर लेती हूँ। चलो ये हमारा राउंड पूरा हो गया, कुछ इस तरह दिखता है। तो चलो अब हम मिडल में जाते हैं, जो ये चार ग्रुप है इसमें मिडल में, यहाँ मैं स्लिप नोट लेके चली जाती हूँ। तो यहाँ एक स्लिप नोट लगा लिया, तो ये हम मिडल में चले गए। जो अब हम राउंड शुरू करते हैं अगला, तो दो चेन लेते हैं, फिर से हमें यहाँ तीन क्रोशिया, बीच में एक चेन, तीन, ये हमारा तीन क्रोशिया हो गए और एक चेन, फिर से तीन क्रोशिया डालना है। तो यहाँ हमें इसमें छः छः क्रोशिया डालना है, बीच में तीन क्रोशिया, बीच में चेन, तीन क्रोशिया डालना है, तो टोटल कुल हमें छः क्रोशिया डालना है। तो ये हमारा छः क्रोशिया हो गया, कुछ इस तरह दिखेंगे। बीच में एक चेन ही, ये चेन है, तीन क्रोशिया, एक चेन, तीन क्रोशिया, फिर से एक क्रोशिया लेना है छः छः के ग्रुप ने बीच बीच में। यहाँ हम तीन क्रोशिया डालेंगे, फिर से बीच में एक चेन लेंगे, ये तीन क्रोशिया हो गया, एक चेन, फिर से तीन क्रोशिया डालना है। तो यहाँ इस राउंड, सारे राउंड में हम छः छः क्रोशिया डालते जाएंगे, तीन क्रोशिया चेन, तीन क्रोशिया चेन। तो ये हमारा कुछ एक चेन बीच बीच में लेना है, तो ये कुछ इस तरह दिखता है। तो सारा राउंड हमें ऐसे बुनना है, तीन क्रोशिया एक चेन, तीन क्रोशिया एक चेन। तो ये हमारा कुछ इस तरह बनेगा, सारे राउंड में हमें छः क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैंने छः क्रोशिया में तीन क्रोशिया, बीच में एक चेन, तीन क्रोशिया एक चेन, तीन क्रोशिया एक चेन ऐसे लेके चले जाना है। तो कुछ इस तरह दिखता है, छः क्रोशिया वाला राउंड है हमारा, है दो चार छः, दो चार छः। तो हमें सारा राउंड ऐसे ही छः क्रोशिया डाल के पूरा करना है। तो यहाँ मैंने पूरा कर लिया है, तो अब हम दो साइड के जो एंड है वो स्लिप नोट लगा के ज्वाइन कर लेते हैं। चलो अब हम फिर से दो चेन लेके मिडल में चले जाते हैं, ये हमारा मिडल है छः के बीच में जहाँ चेन ली है, तो यहाँ मैं चली जाती हूँ। चलो हम मिडल में चले गए हैं, फिर से दो चेन लेके अब हमें आठ आठ क्रोशिया डालना है। तो चार क्रोशिया, एक चेन, फिर से चार क्रोशिया डालना है। तो यहाँ हम चार क्रोशिया, एक चेन, चार क्रोशिया जैस डालेंगे। सारा राउंड हमें आठ आठ, छः के ऊपर आठ आठ डाल के चले जाना है। तो ये हमारा आठवां क्रोशिया है, कुछ इस तरह दिखता है। चार क्रोशिया, एक चेन, चार क्रोशिया, ये चार क्रोशिया है, आगे भी चार क्रोशिया, बीच में एक चेन लेनी है, फिर से हमें ये दूसरा जो छः है उस पर भी आठ डालना है। तो यहाँ भी हम चार क्रोशिया, ये चौथा क्रोशिया, एक चेन,
फिर से चार क्रोशिया, तो अब हम चार क्रोशिया एक चेन चार क्रोशिया, ये हमारा आठ क्रोशिया का ग्रुप हो गया टोटल चार, वन चेन चार, चार एक चेन चार, ये टू का है, ये फोर का है, ये सिक्स और एट का ग्रुप है, दो चार छः आठ, तो ऐसे ही हमें सारा राउंड पूरा करना है। तो यहाँ मैंने पूरा कर लिया है, हम दो छेड़े छेड़े ज्वाइन कर लेंगे स्लिप नॉट लेके। अब हम फिर से मिडल में चले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे अब मिडल में नहीं जाना, ये हमारा आठवां राउंड लास्ट था। अब हमें आधा क्रोशिया लेके एवरी जो आठ क्रोशिया लिया है उस पर हमें आधा क्रोशिया डाल के चले जाना है। तो यहाँ हमें चेन जो बीच में ली उस पर ही हम उस पर ही हम आठ क्रोशिया सॉरी आधा क्रोशिया डालेंगे, तो टोटल नौ से दस क्रोशिया आधा इस लूप में होगा। तो यहाँ मैंने सभी पर आधा क्रोशिया डाला है, ये आधा क्रोशिया वाला राउंड है, बट सारे के सारे में लेना है, बीच में नहीं डालना है। तो ये हमारा थोड़ा दूसरा पैटर्न मींस अलग हो गया आगे वाली जो पैटर्न है उस पर। तो यहाँ लास्ट, ये हमारा लास्ट, खास याद रखना यहाँ टू टाइम्स मैंने डाला है। तो यहाँ मैंने स्लिप नॉट ले लिया, चलो फिर से हम आधा क्रोशिया दूसरी लूप पर चले जाएंगे। तो ये हमारा आधा क्रोशिया वाला पैटर्न है, तो ये आधा क्रोशिया लेके चले जाना है। सभी पर आधा क्रोशिया डालना है। यहाँ मैंने कहीं बार टू टाइम्स पिक कहीं कहीं ऐसा लगा है तो मैंने डाल दिया है। आपको नौ या दस आधा क्रोशिया टोटल इस लूप में मीन्स इस राउंड में डालना है, तो जो कुछ इस तरह दिखेंगे, कुछ बाउल जैसे दिखेंगे। तो यहाँ मैंने दस टाइम डाले हैं, आगे और पीछे जो शुरू होते हैं वहाँ भी मैं स्लिप नॉट लगाती हूँ, मतलब कुछ टेन दस टाइम होता है। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह आधा क्रोशिया डाल दिया है। तो आपको इस राउंड सारे सारे राउंड में आधा क्रोशिया डाल के चले जाना है। तो मैंने कुछ तीन में ऐसे बुना है, ये हमारा चौथा है, तो सॉरी ये हमारा लास्ट वाला है, देखो कुछ इस तरह दिखता है। तो अब हमें ब्लू लेना है, तो ये वाइट वाला वूल मैंने कट कर दिया है और ब्लू लिया है एक नोट लगा के। अब हम ब्लू शुरू करेंगे, ब्लू ये पीछे वाला राउंड है, बैक साइड राउंड है, तो यहाँ हम बैक साइड से शुरू करेंगे। जो लूप बनाई थी उसमें कोई पैटर्न क्रिएट हुई है उसमें पीछे से बीच में ही मैंने शुरू कर दिया है। तो जो आठ डाला था बीच में चेन थी ना, चार बीच चार एक चेन चार, तो वहाँ जो एक चेन थी वहाँ से ही मैंने ज्वाइन कर लिया है ये नोट। और ये अब चार चेन ली, यहाँ मैं आधा क्रोशिया डाल दूंगी, पीछे से ही हम सब कुछ अब करेंगे। तो ये अब हम एक बिग क्रॉस है क्रोशिया डालेंगे, बिग मींस हमें उसका जो लूप है वो दूसरा राउंड है जहाँ हमने शुरू किया है उसका दूसरा राउंड है वहाँ तक खींचना है। देखो ये दूसरा है, तो ये यहाँ से हुक से हम पीछे से एक थ्रेड बस इस तरह खींचेंगे, खींचने से वो आगे आ जाएगा। और अब हम एक क्रोशिया आधा क्रोशिया वैसे उसको मैंने बिग डीसी बोला है, बट आप जैसे मुझे बोलो ये कुछ इस तरह पैटर्न क्रिएट करना है, ऐसी पैटर्न बनाना है। तो यहाँ फिर से एक आधा क्रोशिया डाल दो बस यहाँ ऐसे, आप कुछ भी तरह ताकि जो दूरा है वो थ्रेड है वो खींचे बीचे नहीं। तो यहाँ मैंने फिर से चार चेन ली और जो आठ क्रोशिया वाला था उसमें ये आठ क्रोशिया वाला राउंड में जो एक चेन ली थी ना वहाँ से ही हम फिर से आधा क्रोशिया बना के फिर से चार चेन लेना है। चार चेन ली है, यहाँ भी आधा क्रोशिया बनाना है। मैं एच डी सी लिखा है मीन्स हाफ डबल क्रोशेट मीन्स आधा क्रोशिया। फिर से यहाँ हमें एक
बिग यस वहाँ पे ही हुक को पीछे से लूप खींचना है। तो यहाँ में यहाँ से ये हमारा दूसरा वाला राउंड है उससे ही पीछे से एक धागा खींचती हूँ जो यस इस तरह। थोड़ा मुश्किल है बट कोई बात नहीं, आप ट्राई करेंगे तो आ जाएंगे। आपको फिर से आधा क्रोशिया तीनों लूप निकाल देनी है और यहाँ एक स्लिप नोट या आधा क्रोशिया आपको जो चाहे वो ले सकते हैं ताकि वो बिग क्रोशिया था वो वहाँ पे ही रहे, धागा खींचे या फूले नहीं। तो ये दो एक पैटर्न के बीच दो लूप क्रिएट हुई। फिर से चार चेन लेके मिडल में आधा क्रोशिया डालना है, फिर से चार चेन लेके एंड में भी आधा क्रोशिया डालना है। एक बिग क्रोशिया जो सेकेंड राउंड है वहाँ से हमें खींच के लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह पैटर्न हो गया। यहाँ पे हमें आधा क्रोशिया या स्लिप नोट लगा देना है ताकि बिग क्रोशिया लिया है वो वहाँ पे ही रहे। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है। तो कुछ पीछे ऐसे दिखेंगे, आगे कुछ इस तरह देखेंगे। तो आपको सारे राउंड में ऐसे ही कर लेना है। तो यहाँ मैंने पूरा कर लिया है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है। तो यहाँ मेरा ये राउंड पूरा हो गया है। चार चेन लेके जहाँ से शुरू किया वहाँ एक स्लिप नोट लगा लेना है ताकि ये राउंड पूरा हो जाए। चार चेन लेके यहाँ में आधा क्रोशिया या स्लिप नोट लेके बस यहाँ हमारा ये राउंड पूरा हो गया। अब सेम हमने शुरू किया था जो वाइट में वैसे ही करना है। दो चेन लेंगे पहले। अब क्या करना है, एवरी लूप क्रिएट हुई है दो दो एक पैटर्न के पर, उसमें हमें वी स्टिच डालना है। तो यहाँ जो एक क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया बीच में एक चेन लेनी है जो आगे है। यस आगे हमने वी स्टिच डाला वैसे ही बनाना है। फिर से दो चेन बीच बीच में दो चेन लेनी है, सॉरी वी स्टिच लेना है। तो इसमें ये क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया ये हमारा वी स्टिच हो गया। फिर से दो चेन, फिर से ये हमारा वी स्टिच हुआ, ये वी स्टिच है। यस एक क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया फिर से दो चेन। तो ये कुछ इस तरह वी स्टिच। एक जो कली है उस पर दो पैटर्न क्रिएट विच फिर से दो स्टिच वी स्टिच बनेंगे। तो हम यहाँ दो चेन फिर से एक क्रोशिया दो चेन फिर से एक क्रोशिया फिर से दो चेन फिर से एक क्रोशिया दो चेन फिर से एक क्रोशिया। तो सारे राउंड में हम यहाँ एक लूप में हम दो बार क्रोशिया डालेंगे तब ही हमारा वी स्टिच तैयार होगा। तो ये हमारा एक एक वी स्टिच है। तो कुछ इस तरह हमें डालना है। ये वी स्टिच कहते हैं, आप जो भी बोलो, कुछ पीछे इस तरह दिखता है और आगे ऐसा। तो यहाँ मैंने सारा राउंड में वी स्टिच बना लिया है। तो ये मेरा लास्ट वाला वी स्टिच है। तो यहाँ मैंने एक क्रोशिया दो चेन लेके तैयार कर दिया है। तो यहाँ अब लास्ट है तो दो चेन लेके हम स्लिप नोट लगा लेंगे इसके साथ। तो ये हमारा ब्लू वाला पहला राउंड पूरा हो गया। अब ये वी स्टिच का राउंड पूरा हो गया, दो का राउंड पूरा हो गया मीन्स। तो अब हमें चार का राउंड लेना है, चार छः आठ ऐसे लेना है। तो जैसा हमने किया वाइट में वैसे ही हम ब्लू में करेंगे। तो यहाँ एक वी स्टिच, ये एक एक वी स्टिच जो दो दो का ग्रुप है लूप है उसमें हम चार 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 बार डालेंगे। चलो हम पहले दो चेन ये स्लिप नोट लेके मिडल में चले जाते हैं, फिर से दो चेन लेके शुरू करते हैं इस राउंड चार का। तो अब हमें क्या करना है, चार बार सॉरी चार क्रोशिया डालना है। तो दो क्रोशिया एक चेन, दो क्रोशिया एक चेन ऐसे चले जाना है। ये हमारा दो क्रोशिया एक चेन, दो क्रोशिया एक चेन दो क्रोशिया, चार क्रोशिया वाला राउंड है। फिर से बीच में एक चेन, फिर से इसमें दो क्रोशिया एक चेन, दो क्रोशिया डाला एक चेन लेनी है, फिर से दो क्रोशिया डालना है। तो हमने जैसे वाइट में किया है वैसे ही अब हमें ब्लू में करना है।
बट यहाँ हमें एक पैटर्न पर दो लूप क्रिएट हुए, तो यहाँ आगे वाला बार लूप हो, बार पैटर्न क्रिएट हुई थी, तो यहाँ 24 हो जाएगी। तो यहाँ हमें ये 20 स्टिच है उसमें सभी में चार चार डालना है, तो ये मैंने चार चार क्रोशिया डाल दिया है, दो क्रोशिया एक चेन, दो क्रोशिया एक चेन, दो क्रोशिया एक चेन वाला ये राउंड पूरा हो गया है मेरा। तो यहाँ स्लिप नोट लगा के मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये दो चार छः, अब छः वाला राउंड आएगा, दो चेन, अब छः डालूँगी तो तीन क्रोशिया दो चेन, जो यहाँ मेरा वूल थोड़ा ज़्यादा है तो मैं दो चेन डालूँगी ताकि आगे वाला राउंड में आठ क्रोशिया इसमें आ जाएगा। आपका वूल जो ठीक है तो आप एक चेन भी डाल सकते हैं, यहाँ मैंने मेरी सरलता के लिए दो चेन ली है, बीच में एक चेन, फिर से तीन क्रोशिया, दो चेन, तीन क्रोशिया, तीन क्रोशिया, फिर से दो चेन, फिर से तीन क्रोशिया और बीच में एक चेन, छः छः के बीच में एक एक चेन, यस एक एक चेन। तो ये हमारा दो चार छः, ये छः वाला राउंड है। तो ये इस सभी पर हमें चार चार, सॉरी छः छः डालना है, तो यहाँ हमें छः छः डाल दिए हैं, मेरा ये राउंड भी बुना गया है। तो यहाँ हम एक चेन लेके, ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है, तो देखो कुछ इस तरह दिखता है। तो अब हम दो एंड शुरू, जो राउंड शुरू किया वहाँ स्लिप नोट लगा के ज्वाइन कर लेते हैं। अब हम दूसरा राउंड बुनेंगे, आठवां वाला, दो चेन लेके यहाँ हम बीच में आठ क्रोशिया डालेंगे, चार क्रोशिया, चार क्रोशिया एक चेन, चार क्रोशिया एक चेन डालेंगे। अब हम दो चेन नहीं डालेंगे क्योंकि आठ क्रोशिया पर हम दस क्रोशिया वाला राउंड नहीं बुनने वाले, तो बीच में कोई अब नहीं आएंगे, तो हम एक चेन ही डालेंगे, चार क्रोशिया एक चेन, चार क्रोशिया, जैसे दो पार्ट पड़ेंगे बट बीच में एक चेन ही रखेंगे। तो यहाँ मैंने चार क्रोशिया एक चेन, चार क्रोशिया, टोटल आठ क्रोशिया डाल दिया है। तो ये हमारा आठ क्रोशिया हो गया, बीच में एक चेन है, चार क्रोशिया एंड चार क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से आठ क्रोशिया डालेंगे, फिर से चार एक चार, चार क्रोशिया एक चेन, चार क्रोशिया, चार क्रोशिया एक चेन, चार क्रोशिया। तो ये हमारा आठ आठ का राउंड है, तो हमें आठ का राउंड में चार क्रोशिया एक चेन, फिर से एक चेन, बीच बीच में एक चेन मैंने ली है, आठ क्रोशिया के बीच में। तो हमें सारा राउंड ऐसे चार क्रोशिया एक चेन, चार क्रोशिया एक चेन जैसे बुन के चले जाना है। तो यहाँ एक दो तीन चार, फिर से एक चेन, फिर से चार क्रोशिया डाला, तो यहाँ मेरा ये राउंड भी पूरा हो गया है। मैं स्लिप नोट लेके यहाँ बुन ले ज्वाइन कर लेती हूँ, तो ये राउंड पूरा हो गया। अब आपका थाल पोस थोड़ा फ्लेयर में होगा क्योंकि दो दो लूप, एक के बीच दो लूप क्रिएट हुई, तो कोई बात नहीं, एंड में अंत में हम ये भी अच्छी तरह से बुन लेंगे। यहाँ कोई आप, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम कटौती करें क्योंकि डिज़ाइन ही हमारी ऐसे ही है, चार छः या आठ वाली, तो हम कटौती तो कर नहीं सकते। कटौती करेंगे तो हमारी डिज़ाइन में कुछ प्रॉब्लम दिखेंगे। तो यहाँ हम आठ के ऊपर एक दूसरा राउंड बुन रहे हैं, आधा क्रोशिया वाला, जो वाइट में बुना था ये वैसा ही। कहीं कभार हम दो, यहाँ पे मैं जो दो क्रोशिया डाल देती हूँ, इसलिए ये हमने दो डाला है। तो यहाँ लास्ट में भी एक क्रोशिया डाल देती हूँ, आधा क्रोशिया डाल देती हूँ। तो यहाँ हमें आधा क्रोशिया, हर एक क्रोशिया जो आठ लिया है आगे वाला राउंड में, उस पर हमें आधा क्रोशिया, तो यहाँ हमारा टोटल दस आधा क्रोशिया हो गया है शुरू में और अंत में। मैंने ये, हमने आगे वाला जो वाइट किया था वैसे ही है ब्लू, तो दस आधा क्रोशिया डाला है, बीच में एक चेन पर, आने एक एक बार मैंने दो बार ले लिया है, तो दस बार हो गया है। फिर से हम यहाँ आधा क्रोशिया एवरी सिंगल आगे वाला आठ जो क्रोशिया है उस पर हम आधा क्रोशिया डाल रहे हैं। कहीं कभार हम वहाँ पे हम दो, यहाँ दो क्रोशिया दो बार डालेंगे, सॉरी आधा क्रोशिया एक बार और दो बार,
आप कर सकते हैं, जो अच्छे पैटर्न बनानी है तो कहीं कभार हम आधा क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ मैंने चेन पर आधा क्रोशिया ले लिया है, तो चार, एक चार वाला पैटर्न था ना, उसमें बीच में चेन आया था, उस पर ही हम आधा क्रोशिया, उस पर ही हम ले लेंगे। तो हमारा टोटल कैसे भी करके 10 आधा क्रोशिया इस लूप में आ जाएंगे। तो यहाँ मैंने हर एक पर आधा क्रोशिया और बीच में ही एक डाल दिया है, और पीछे भी एक ज़्यादा, तो कुछ इस तरह दिखता है। कैसे भी करके हमें 10 आधा क्रोशिया डाल देना है। तो यहाँ 10 आधा क्रोशिया डाल के आपको हर एक में चले जाना। तो यहाँ मेरा ये राउंड पूरा हो गया है। हम स्लिप नॉट लगा के ये धागा कट कर देंगे, क्योंकि अब हमें फिर से वाइट लेना है। सेम एज हमने जो ब्लू लिया था वैसे ही हमें वाइट को फिर से, ये हमारा पीछे वाला राउंड आएगा जो हमें लूप दो दो क्रिएट करी थी, सेम वैसे ही करना है। अब हमारा रूमाल फ्लेयर होता जाएगा, क्योंकि अब जो ये 24 पैटर्न हुई है उस पर फिर से दो दो बनेगी, तो टोटल 48 कली 48 बनेगी, तो ज़्यादा फ्लेयर होगा। कोई बात नहीं, हम पीछे से वो कटौती करके हमारा रूमाल कैसे भी करके शेप में ला देंगे, फ्लेयर नहीं रहेगा। यहाँ हम वाइट लेते हैं, एक नोट लेके, नोट बना के, जो 8 वाला राउंड था ना हमारा, ये आधा क्रोशिया से आगे वाला राउंड 8, जो यहाँ पे एक चेन ली थी ना, वहाँ हम आधा क्रोशिया डाल देंगे। बीच पीछे से, ये पीछे वाला राउंड है तो हम पीछे से ही डाल देंगे। तो ये मैंने एक नोट लगा के शुरू कर दिया है। अब हम यहाँ एक आधा क्रोशिया डाल देंगे। आधा क्रोशिया डालने के बाद ये हमारा यहाँ ज्वाइन हो गया। अब हम चार चेन, आधा क्रोशिया, चार चेन, एक बिग स्टिच, ऐसे करके चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ चार चेन ली है, यस। अब हम एक आधा क्रोशिया यहाँ पे लेंगे बीच में, बीच में लेना है आपको। चुप। अब एक बड़ा बिग क्रोशिया लेना है, ताकि जो हमने ब्लू शुरू किया था ना, वहां से ही खींचना है। यहां से हम खींचते हैं और एक लूप खींचेंगे और क्रोशिया बना लेंगे, तो कुछ इस तरह निकलेंगे और पैटर्न तैयार हो जाएगी। फिर से हमें एक स्लिप नॉट लगा लेना है, ताकि बिग क्रोशिया यहां वहां खींचा ना जाए। फिर से चार चेन लेके, जो 8 क्रोशिया वाला में एक चेन मिडल में है, वहाँ आधा क्रोशिया डाल देना है। फिर से चार चेन ले लेनी है। फिर से हम वहाँ पीछे एंड में एक आधा क्रोशिया ले लेंगे। अब हम एक बिग क्रोशिया डालेंगे, जहाँ शुरू किया है वहाँ से ही, ये ब्लू वाला राउंड जहाँ शुरू किया था ना पहला, 20 स्टिच वाला राउंड, इसके साथ ही हम बिग क्रोशिया डाल देंगे। तो यहाँ हम, ये हमारा दूसरा वाला 20 स्टिच वाला राउंड के साथ हम खींच कर बिग क्रोशिया बना रहे हैं। तो ये हमारा बन गया एक बिग क्रोशिया। थोड़ा मुश्किल होगा, बट कोई बात नहीं, पैटर्न अच्छी दिख रही है तो मुश्किल तो होना ही है। तो ये हमारा कुछ इस तरह दिखने वाला है। उस पर ही दो लूप क्रिएट हो गई। तो यहाँ फिर से दो लूप बनेगी, दो पैटर्न क्रिएट होंगे, दो लूप हुई। तो फिर से चार क्रोशिया, आधा क्रोशिया, जो 8 वाला पैटर्न है उस पर, वो बीच में चेन है उस पर मैंने आधा क्रोशिया पीछे से ही लेना है, खास याद रखना है, ताकि हम एक पेटल जैसे पैटर्न क्रिएट कर सके, वरना आगे से तो कुछ दिखेगा ही नहीं जो हम आगे से बिग क्रोशिया लेंगे। तो पीछे से ही राउंड बुनना है। तो हमें, और चार वाला जो राउंड है ना, सॉरी 8 वाला राउंड, चार एक चेन उसमें, उस पे हम ये आधा क्रोशिया लेके चले जाते हैं वाइट वाला में। तो यहाँ हम एक लूप खींचेंगे हुक थ्रो, ये हमारा हुक से हमने एक लूप खींचा और एक क्रोशिया बना लिया। तो हम सभी आधा क्रोशिया बना के तो कुछ इस तरह दिखेंगे, एक कुछ इस तरह पैटर्न तैयार होंगे। तो एक वाइट ऊपर दो ब्लू पैटर्न हुई है। तो हम सारे में जो देखो, हमारा थालपोस में फ्लेयर ज़्यादा आ गया है, बट अब कम दिखा दे रहा है। ये पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला पार्ट है, फ्लेयर ज़्यादा आएंगे
कोई बात नहीं, अंत में ये सब अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा ये राउंड पूरा हो गया है। अब सेम हमने जो ब्लू और वाइट आगे वाला राउंड में किया वैसे ही करना है, वी स्टिच डालना है। तो यहाँ मैंने एक क्रोशिया, दो चेन, एक क्रोशिया, तो ये हमारा वी स्टिच दो दो डालना है हमें, एक चेन, फिर से एक क्रोशिया, दो चेन, एक क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से वी स्टिच, एक क्रोशिया, दो चेन। आगे वाला राउंड में भी हमें ऐसे ही किया था, तो इस राउंड में भी हम ऐसे ही करेंगे जो हमने ब्लू में भी ऐसा किया, वाइट में भी ऐसा किया था। बट यहाँ अब फ्लेयर ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा हम मॉडिफिकेशन करेंगे इस राउंड में। ये राउंड जो हमारा पहली बार हम बुन रहे हैं वैसा राउंड हम दोबारा भी उस पर ही बुनेंगे, ताकि अब चार वाला राउंड बुनेंगे तो ज़्यादा फ्लेयर हो गया तो हम फिर से उस पर भी स्टिच वाला राउंड बुनेंगे। तो ये थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा ध्यान दे के वीडियो में थोड़ा चलना है हमें। इसमें हमें फिर से वी स्टिच मीन्स एक क्रोशिया, दो चेन, एक क्रोशिया लेना है। तो ये हमारा सारा राउंड पूरा हो गया है। सेम आगे वाला राउंड जैसे ही बनाना था तो मैंने वीडियो कट कर दिया है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये वी स्टिच वाला राउंड है, वन क्रोशिया, दो चेन, फिर से हम सेम जो आगे वाला राउंड बुना ना वैसे ही हम दोबारा ऐसा राउंड बुनेंगे, एक क्रोशिया, दो चेन, एक क्रोशिया। ये राउंड भी ऐसे ही बुनेंगे, चार नहीं डालेंगे, ताकि हमारा जो फ्लेयर हुआ है ना थाल पोस में ही थोड़ा कम हो जाएंगे। तो बीच बीच में अब हम एक चेन ले रहे हैं, आप चाहे तो एक चेन भी कट कर सकते हैं बीच में, जो वी स्टिच के बीच में लेते हैं, ताकि जल्दी फ्लेयर कम हो जाएगा। तो ये दूसरा वी स्टिच राउंड है, चार वाला राउंड नहीं है, खास याद रखना है, ताकि हमारा अंत में जो फ्लेयर है वो ज़्यादा है तो कम हो जाएगा। तो ये हमें फिर से सेम पहला राउंड है वैसा ही दूसरा राउंड बुना है, एक क्रोशिया, दो चेन, एक क्रोशिया, दो चेन, वी स्टिच वाला, आप जो भी बोले हम वी स्टिच कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह बन गया है। अब हम ये हमारा राउंड पूरा हो गया है, तो यहाँ हम एक क्रोशिया लेंगे, दो चेन लेंगे, और आगे वाली दो चेन है इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ताकि ये हमारा वी स्टिच हो जाएंगे। दो वी स्टिच हुआ है एक कली पर, तो यहाँ भी दो हो जाएगा, ये हमारा दो हो गया। अब हमें चार चार डालना है, ये पूरा हो जाएंगे तो अब हमें चार चार डालना है। तो यहाँ हम बीच में चले जाएंगे या साइड में, साइड में चले जाते हैं। तो यह हमारा बीच हो गया, वी स्टिच में बीच में हो गया, और अब हमें चार चार डालना है। सेम जो आगे वाला छः चार आठ डाले थे वैसे ही चार डालना है। तो बे चेन ली, दो चेन ली, फिर से हमने दो क्रोशिया, एक चेन, दो क्रोशिया, फिर से अब हम चेन नहीं लेंगे ताकि फ्लेयर ज्यादा कम हो, दो क्रोशिया, एक चेन, दो क्रोशिया, एक चेन है, जैसे लेके लेके चार वाला है, बाजू में ही चार वाला आ गया, बीच बीच में हम चेन अवॉइड कर रहे हैं ताकि फ्लेयर ज़्यादा कम हो जाए जल्दी जल्दी। तो यहाँ चार क्रोशिया डालना है, बट दो क्रोशिया के बीच एक चेन लेनी है। तो यहाँ दो क्रोशिया, एक चेन, दो क्रोशिया, एक चेन, दो क्रोशिया, एक चेन करके चले जाना। तो ये मैंने चार चार क्रोशिया डाल दिया है, तो ये हमारा चार क्रोशिया वाला राउंड है, दो क्रोशिया, एक चेन, दो क्रोशिया, एक चेन। तो यहाँ मैंने चार क्रोशिया के पर छः क्रोशिया वाला राउंड भी बुन लिया है, ताकि छः क्रोशिया में ही आगे वाला राउंड में मैंने आपको बताया ही है, तो ये छः क्रोशिया भी मैंने डाल दिया है। तो अब हम आठ क्रोशिया नहीं डालेंगे, चार चार वाला ही हम बुनते हैं, तो जो बस ऐसी पैटर्न हो अब हम डायरेक्ट नाखेंगे छः पर, आठ वाला हम नहीं बुनते ताकि फ्लेयर जल्दी कम हो जाए। एक दो तीन चार, इसमें भी एक दो तीन चार हमारा हो गया, चार चार हो गया। तो अब हम डायरेक्टली आधा क्रोशिया वाला राउंड डाल देंगे,
तो ये हम ज्वाइन कर लेंगे 6 क्रोशिया वाला राउंड। ये हमारा यहाँ स्लिप नोट लगा के राउंड ज्वाइन कर लेना है। अब हमें ये 6 क्रोशिया वाला है, 6 3 1 चैन 3, 3 क्रोशिया डाला है, बीच में एक चैन है। तो यहाँ अब हम आधा क्रोशिया वाला, हर एक 6 पर आधा क्रोशिया डालेंगे, बट यहाँ हमें 6 है तो हमें थोड़ा आधा क्रोशिया डालना, ज़्यादा डालना है, 8 से 9 आधा क्रोशिया बनाना कैसे भी करके। तो हम यहाँ एक में दो बीच बीच में कहीं ले लेंगे। तो यहाँ मैंने दो बार चेन में दो बार ले लिया है। फिर से यहाँ हम आधा क्रोशिया डाल रहे हैं, तो हमारा कम से कम 7 से 8 आधा क्रोशिया तो आना ही चाहिए कैसे भी करके। हमें मिनिमम आठ आधा क्रोशिया कैसे भी करके हम डाल लेने हैं। तो हमें ऐसे आधा क्रोशिया, हर एक 6 जो क्रोशिया डाले हैं और चेन डाली है उस पर हम दो बार डालेंगे। तो यहाँ हमें आधा क्रोशिया, तो हमें ऐसे ही आधा क्रोशिया हर एक 6 वाला जो पैटर्न है उस पर कम से कम 8 से 9 टाइम तो आना ही चाहिए आधा क्रोशिया इस पैटर्न में। तो हमें आधा क्रोशिया डाल देना है, कुछ इस तरह दिखेंगे ये। हमने सभी पर आधा क्रोशिया, कई कबार मैंने दो बार भी डाल दिया है। तो अब यह धागा तोड़ लेना है। अब हम ब्लू लेंगे, सेम हमें आगे पैटर्न ने दो बार ऐसे बना ही है, वाइट में भी बनाई है और ब्लैक में भी बनाई है, सॉरी ब्लू में भी बनाई है। तो हम फिर से ब्लू में बना रहे हैं। ये हमने बीच में से कनेक्ट नहीं की और एंड में से कनेक्ट की है। तो यहाँ पहला हमारा बिग क्रोशिया आएंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने बीच में ही कनेक्ट की थी पर वीडियो में नहीं आया। बीच में से हम 4 चेन लेके एंड में आए और फिर से हमने एक बिग क्रोशिया डाला, फिर से एक आधा क्रोशिया डाला, फिर से हम 4 चेन लेने हैं। 4 यहाँ पे नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये 6 क्रोशिया के ऊपर है। तो 3 चेन लेके लेंगे तो भी चलेंगे। तो यहाँ 3 चेन लेके मैं एक आधा क्रोशिया डाल रही हूँ, जो 6 वाला ग्रुप था ना, 3 क्रोशिया एक चेन में, वहाँ पे ही मैंने आधा क्रोशिया उस पर पीछे से ले लिया है। तो यहाँ मैं फिर से एक आधा क्रोशिया लेके 3 चेन ज्वाइन कर ली। तो यहाँ फिर से 2 लूप क्रिएट हुई और मैंने जहाँ शुरू किया है वहाँ से ही हम फिर से एक हुक से लूप खींचेंगे। तो ये पीछे से हमें इस तरह खींचे ताकि आगे ये लूप कुछ इस तरह ऐसे आ जाए। तो ये हमारी लूप आ गई है और हम आधा क्रोशिया बना लेंगे। फिर से हम यहाँ एक स्लिप नॉट ले लेंगे ताकि हमारा बिग क्रोशिया है वो हिले नहीं। 3 चैन, 1 आधा क्रोशिया, बीच में यहाँ पे हम आधा क्रोशिया लेंगे, फिर से 3 चैन लेंगे, फिर से 1 आधा क्रोशिया लेंगे, तो यहाँ फिर इस तरह लेने के बाद एक बिग क्रोशिया लेना है। सेम मैंने अगला आपको दो बार ऐसे बता दी है, तो अब मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि आपको पता है मैंने दो बार ऐसे कर लिया है, ब्लू किया फिर वाइट किया फिर से ब्लू आई हो। तो फिर से यहाँ हम एक स्लिप नोट ले लेंगे तो कुछ इस तरह दिखेंगे। हमारे थाल पोस्ट में बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ गए हैं, कोई बात नहीं, ताकि पीछे हम कंट्रोल कर लेंगे उसे। तो ये देखो ये कितना फ्लेयर है, ताकि 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 है वैसे क्रिएट हुआ है, तो फ्लेयर तो आ ही गए, बट कोई बात नहीं, हम पीछे से कैसे भी करके उसे कंट्रोल कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह देखता है, फ्लेयर आएगा कोई बात नहीं, घबराने की, फ्लेयर कंट्रोल हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह मैंने यहाँ ये ब्लू वाला जो बिग क्रोशिया वाला राउंड है वो मैंने बुन लिया है। अब हम 20 स्टिच वाला राउंड, दो क्रोशिया वाला है ना, 20 स्टिच वाला, 1 क्रोशिया 2 चेन 1 क्रोशिया डालना है, वो राउंड हम बुन रहे हैं। सभी में हमें 1 चेन 2 क्रोशिया 1 सॉरी 1 क्रोशिया 2 चेन 1 क्रोशिया 2 चेन 1 में 2 होगा, सभी में हमें 1 क्रोशिया 2 चेन 1 क्रोशिया कंटिन्यूसली हमें क्रिएट करना है ऐसे ही ऐसे।
कहीं भी हमें अब एक भी चेन इंक्रीज नहीं करनी ताकि हमारा कंट्रोल में आ जाए फ्लेयर। जो ये झूला हुआ है थाल पोस में वो हम कहीं भी कटौती करके तो नहीं कट कर सकते, क्योंकि हमारी पैटर्न ही ऐसी है कहाँ से भी कटौती नहीं होती। तो हम थोड़ा कंट्रोल, तो इस तरह कुछ दिखेंगे, दो वी स्टिच क्रिएट होंगे एक पैटर्न पर। तो हमें ऐसे ही वी स्टिच क्रिएट करके जाना है, सारा पांच राउंड वैसे बुनना है हमें। तो ये मेरा पहला राउंड हो गया है, वी स्टिच लिया है मैंने। तो यहाँ मैं वी स्टिच राउंड जो पहला राउंड है वो पूरा कर स्लिप नोट लगा के पूरा कर लेती हूँ। फिर से ऊपर एक ऐसा ही राउंड बुनना है, मिडल में आ जाती हूँ, दो चेन लेती हूँ, फिर से बीच वाली दो चेन, फिर से एक क्रोशिया इसमें ही डालूंगी, ये बीच में आ जाऊंगी, ये बीच में आ गई, एक क्रोशिया दो चेन, एक क्रोशिया दो चेन, सेम जो आगे वाला पैटर्न है वैसे ही, एक क्रोशिया दो चेन, एक क्रोशिया दो चेन लेनी है, एक क्रोशिया दो चेन, एक क्रोशिया फिर से डालना है। तो ये हमारा वी स्टिच जैसा पैटर्न हो गया। तो अब हम फ्लेयर कंट्रोल में लेने के लिए ऐसे ही करके पांच राउंड बुनेंगे। तो ये मैंने दो राउंड बुन लिए हैं, अब ये पांच राउंड हो गया मेरा। देखो थोड़ा फ्लेयर है अभी भी, बट काफ़ी कम हो गया है, अब ज़्यादा नहीं है। एक दो तीन चार ने पाँच, मैंने पांच राउंड बुना है, सेम आगे वाला राउंड है, कहीं भी मैंने एक चेन नहीं इंक्रीज की है, कहाँ पे भी हम एक भी इंक्रीज नहीं करेंगे। ये मेरा लास्ट वाला वी स्टिच वाला राउंड है, मैंने ब्लू तोड़ दिया है। यहाँ हम फिर से वाइट सेम जैसे ब्लू में बुना था, एक क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया, वैसे ही हम यहाँ बुन लेंगे, चार चेन लेंगे फिर से क्रोशिया डालेंगे। ये शुरू में है इसलिए मैंने चार चेन ली है। फिर से हम बाजू वाला वी स्टिच में एक क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया डालेंगे। एक क्रोशिया दो चेन कंटिन्यूसली हम पांच राउंड से बुनते आए हैं और इस राउंड में भी ऐसे ही बुनना है, एक क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया। तो ये हमारा एक क्रोशिया दो चेन एक क्रोशिया दो चेन है, सारा राउंड ऐसे ही बुनना है, एक क्रोशिया दो चेन। तो सभी जो आगे वाली वी स्टिच लाइन है उस पर हम एक एक वी स्टिच और नाकते चले जा रहे हैं। फिर से एक क्रोशिया दो चेन, फिर से एक क्रोशिया। तो अब हम ऐसे वी स्टिच एक वाइट वाला राउंड में बुन लेंगे। ये हमारा सफेद वाला राउंड है, पांच और छः वाला, ये छठवीं लाइन है हमारी। फिर से वी स्टिच डालना है हमें, तो सारा राउंड हमें वी स्टिच लेके ही चले जाना है। तो कुछ इस तरह दिखेंगे, चलो देखा देते हैं। तो हमें सारा राउंड ऐसे बुन लेना है। तो ये हमने बुन लिया है वी स्टिच वाला। यहाँ बड़ा बहुत बड़ा थालपोस हो रहा है, तो मैंने एक बोर्ड पर नहीं बट मैंने फ्लेयर फ्लोर पर ही ना डाल दिए हैं थालपोस। तो देखो फ्लेयर कंट्रोल में हो गए हैं, सारे फ्लेयर सभी फ्लेयर चले गए, ताकि हमने कोई इंक्रीज नहीं किया तो फ्लेयर चला गया। अब हम लूप क्रिएट करेंगे गेंदे के लिए। तो यहाँ हम पहले ये राउंड ज्वाइन कर लेते हैं, दो छेड़े हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, सात सात चेन लेंगे, सात चेन लेंगे और दो वी स्टिच के बाद हम एक आधा क्रोशिया या सिंगल आधा क्रोशिया डालेंगे। सात चेन लेंगे, एक सिंगल आधा क्रोशिया, मैं यहाँ डबल लिखा है बट सिंगल आधा क्रोशिया मैंने लिखा है, ले लिए हैं, वीडियो में थोड़ा मेरे से मिस्टेक लिखना हो गया है। सात चेन एक सिंगल आधा क्रोशिया डाला है, सात चेन ली है मैंने। फिर से एक, तो यहाँ हम बीच में लेंगे, तो ऐसी कुछ लूप क्रिएट होंगी, वहाँ हम गेंदे लेंगे, गेंदे बनाएंगे। तो यहाँ मैंने सात चेन
एक सिंगल क्रोशिया, चार सात चेन एक सिंगल क्रोशिया डाला, दो वी लू वी स्टिच के बीच में बनाया है ताकि थोड़ा बड़ा गेंदा हो। तो यहाँ मेरा लूप गेंदे के लिए बना दिया है मैंने, सात चेन एक सिंगल क्रोशिया डालना है, तो कुछ इस तरह दिखेंगे। ये लूप हुई गेंदे के लिए, टेसल भी हम व्हाइट और ब्लू में दोनों ही बनाएंगे। तो ये सारा राउंड में हमें वैसे सात चेन एक सिंगल क्रोशिया, सात चेन एक सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ मैंने सारा राउंड बुन लिया है, सात चेन एक सिंगल क्रोशिया डाल के लूप क्रिएट कर ली है। अब हम गेंदे बनाएंगे, तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा गेंदा तैयार करके उसमें लगा दिया है ताकि आपको पता चले। तो देखो ये गेंदा मैंने बना लिया है, एक ब्लू एक वाइट, एक ब्लू एक वाइट, और बीच का एक फ्लावर ही बुनना है, फ्लावर भी बुनना है। तो पहले हम गेंदा लगा दे, तो यहाँ मैंने एक जो कार्डबोर्ड है उसका टुकड़ा लिया है, उस पर मैं सेम मेरा माप हो इसलिए मैं ये प्रीफर किया है। आप हाथ की अंगलियों उंगली चार है उसमें ही बना ऐसे करके कर सकते हैं गेंदे। तो यहाँ मैंने तेसल बनाने के लिए कार्डबोर्ड का टुकड़ा यूज़ किया है। मैंने यहाँ 15 से 16 बार ऐसे लूप जो लगाई है कट कर देती हूँ, और बीच में वैसे कट कर देती हूँ, और जो ये टुकड़ा हुआ उसको अच्छी तरह से लगा देती हूँ जो ये हमने लूप क्रिएट की है। तो ये हमारा ब्लू वाला हो गया, और यहाँ हम एक धागा लेके इसको नोट लगा देते हैं ताकि वो फिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने एक धागा का टुकड़ा लिया है और एक दो नोट लगाई है ताकि वो भविष्य में आप रुमाल धो ब्रश या ताकि कोई भी अड़े तो भी कुछ ना हो, गेंदे प्रॉपर ऐसे ही ऐसे रहे जब भी आप यूज़ करते हैं तब। तो मैंने दो नोट लगाई है, दो राउंड बारा है, तो यहाँ हम दो नोट लगा देते हैं ताकि गेंदा फिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो ये हमारा गेंदा हो गया। अब जो बाकी टुके मोटे हुए वो हम कट कर देते हैं ताकि एक सरखे हो जाए। तो ये हमारा गेंदा तैयार हो गया। सेम वैसे ही हम वाइट कलर का गेंदा बनाएंगे, तो हम फिर से वैसे जैसे बनाया है वैसे ही हम वाइट कलर का 15-16 बार हम लूप बना लेंगे और कट कर लेंगे। सेम एक धागा छोटा सा कट करके वहाँ फिक्स कर देंगे नियर जो नीचे नज़िक का है वहाँ पे। तो आप पहले ब्लू 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 वाइट 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 भी लगा सकते हैं। और आपको लूप बनाते वक्त ध्यान रखना है कि आपका जो लूप है वो बेकी दो की संख्या में आए, ताकि बाजू बाजू में जो आप बनाए तब दो वाइट या दो ब्लू ना आए। तो आपको लूप कैसे भी करके दो की संख्या में लाना बनाना है। मैंने यहाँ एक बार काउंट किया तो मेरी दो की नहीं आई, तो मैंने एक छोटा बीस में बना लिया। तो अब हम एक बीच का रोज बनाते हैं फ्लावर, तो अब हम फ्लावर बनाएंगे। तो यहाँ फ्लावर आपको मेरे चैनल के सभी वीडियो में फ्लावर तो दिखाते हैं दिखाती हूँ, बट आपको यहाँ मैं छोटा सा एक फ्लावर दिखाती हूँ। एक आठ चेन लेके थ्री चेन एक डीसी, थ्री चेन एक डीसी मीन्स डीसी मीन्स एक क्रोशिया डबल क्रोशिया। तो यहाँ मैंने चार चेन ली एक क्रोशिया डाला, फिर से तीन चेन ली एक क्रोशिया डाला, फिर से तीन चेन ली एक क्रोशिया डाला, फिर से तीन चेन ली फिर से एक क्रोशिया डाला। अब हम जो ये लूप क्रिएट हुई है उसमें हम पंखुड़ी बनाएंगे ताकि हमारा गुलाब जैसा नजर आए। तो ये हमने यहाँ सात पंखुड़ी वाला एक गुलाब क्रिएट कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 6 पंखुड़ी 7 नहीं, ये 6 पंखुड़ी वाला मेरा छोटा सा रोज क्रिएट होगा। तो यहाँ 3 6 अब हम पंखुड़ी बुनेंगे इस जो लूप क्रिएट हुई है इसमें। पहले हम एक आधा क्रोशिया सॉरी एक स्लिप नॉट लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम पांच बार क्रोशिया डालेंगे,
चार बार डालेंगे या पांच बार, आपको जैसी छोटी पैटर्न बनानी है पेटल्स तो आप चार बार डालेंगे। मैंने यहाँ चार बार डाला है और लास्ट में मैंने आधा सिंगल क्रोशिया डाला है। फिर से हम बाजू वाली लूप में चले जाएंगे, वहाँ हम स्लिप नॉट लेंगे, एक चेन लेंगे, फिर से हम चार बार फुल क्रोशिया डालेंगे। फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया डालेंगे, बाजू की लूप में चले जाएंगे। तो सारी पेटल्स हम ऐसे ही क्रिएट करेंगे जो दो क्रिएट की वैसे ही। तो अब हम चार बना लेंगे ऐसे ही। तो यहाँ मैंने बना ली है, तो अब मैं यहाँ से पीछे एक स्लिप नॉट लगा के ये धागा तोड़ देती हूँ और वो बीच में जो थालपोस के बीच में जगह है वहाँ सुई नीडल की मदद से, सुई और धागे की मदद से मैं चिपका देती हूँ। और आपको जो हुक से कनेक्ट करना आता है तो कोई बात नहीं, आप हुक से भी गमे जैसे तैसे कनेक्ट कर सकते, ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अच्छी तरह से कनेक्ट हो इसलिए मैं उसे नीडल और धागे की मदद से, सुई की मदद से मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं इस तरह चिपका दूँगी। तो ये हमारा कुछ इस तरह थालपोस क्रिएट हो गया है। झूला जो हो रहा था, फ्लेयर हो रहा था, ये सब कुछ चला गया है और ये कुछ इस तरह दिखता है। तो ये हमारा थालपोस रेडी हो गया। तो चलो चलते हैं सारा थालपोस देखने के लिए। तो ये मेरा बड़ा वाला थालपोस है। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कर कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कैसा है और कलर कैसा है। तो ये थालपोस आपके लिए है।